ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने इमामगंज सीट के लिए नामांकन किया है। दीपा मांझी अपने समर्थकों के साथ शहर के डीआरडीए कार्यालय पहुंची। नामांकन पर्चा भरने के बाद बाहर आते ही समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनको बधाई दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहित उनके परिवार के कई सदस्य वहां मौजूद रहे। दीपा मांझी ने कहा कि ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हमें इमामगंज की जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा, और परिवारवाद के आरोपों पर भी दीपा मांझी ने जवाब दिया है। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके एमएसएमई फंड से छोटे छोटे रोजगार के लिए महिलाओं के लिए वहाँ के लोगों के लिए अगर वो सुविधा है तो हम वहाँ सुविधा प्रदान करने के तैयार हैं। विपक्षी पार्टी परिवारवाद का आरोप लगा रही है मान लीजिए। देखिए, और जगह भी ये होता है, बेटा लड़ रहा है, पत्नी लड़ रही है, तो वहाँ तो आप लोग नहीं उठाते हैं कोई सवाल, और मेरे ही परिवार पर ये सवाल क्यों उठाया जाता है।